क्या हुआ जब मजदूर दशावमेघ घाट पर गंगा आरती के समय खुदाई कर रहे थे। उसी समय खुदाई के समय उन्हें मिला सैकड़ों वर्ष पुराना एक खास शिवलिंग। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, हाल फिलहाल की बात है, यानी कि कल परसों की बात है कि अभी वाराणसी में एक खास खुदाई के दौरान सैकड़ों वर्ष पुराना शिवलिंग मिला है। जी हाँ, आपने सही सुना, उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी वाराणसी में आज एक शिवलिंग कोतूहल का विषय बना हुआ है। वाराणसी के दशावमेघ घाट पर खुदाई के दौरान लगभग 7 फीट नीचे ये शिवलिंग का विग्रह मिला। विग्रह उल्टी दिशा में है और विग्रह का लिंग मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। फिलहाल शिवलिंग मिलने के बाद खुदाई का काम रोक दिया गया। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि यह शिवलिंग सैकड़ों वर्ष पुराना है। वाराणसी में घाटों का सुंदरीकरण किया जा रहा है, यानी कि उन्हें ठीक से जीर्णोद्धार करके अच्छे ढंग से बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अलग अलग घाटों पर LED स्क्रीन और अन्य विकास के कामों के लिए खुदाई की जा रही थी। ये खुदाई वाराणसी के दशावमेघ घाट पर चल रही थी। रोज की तरह आज भी मजदूर खुदाई कर रहे थे कि तभी दशावमेघ घाट के जल में पुलिस चौकी के नीचे लगभग 7 फीट खुदाई के बाद एक शिवलिंग का विग्रह मिला, जिसके बाद इसे निकालने की तमाम कोशिश की गई लेकिन शिवलिंग नहीं निकला, क्योंकि शिवलिंग उल्टा था, यानी कि शिवलिंग जमीन के अंदर घुसा पड़ा था और उसका विग्रह बाहर की तरफ था। अंत में मजदूरों ने खुदाई रोक दी और अपने अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद पूरी पुलिस प्रशासन और साथ ही पुरातत्व विभाग वहां मौके पर पहुंचा। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि यह शिवलिंग सैकड़ों वर्ष पुराना इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि दशावमेघ घाट सबसे पुराना घाट है। यह पुराने समय में ही पक्का घाट बन गया था। राजा महाराजाओं ने इस घाट को पक्का घाट बनाया था। ऐसे में घाट की सीढ़ियों पर 7 फीट नीचे एक शिवलिंग का मिलना इसके प्राचीन होने का पुख्ता सबूत देता है। हालांकि पुरातत्व विभाग से जांच कराने के बाद इसकी प्राचीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं शिवलिंग मिलने के बाद क्षेत्र में यह शिवलिंग कोतूहल का विषय बन गया है। लोग दूर दूर से आकर इसे देख रहे हैं, इसकी फोटोज ले रहे हैं, इसके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। बता दें कि यह वही दशावमेघ घाट है जहाँ की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध कही जाती है और देश विदेश से लोग आकर यहीं पर गंगा आरती देखने आते हैं और माँ गंगा के पवित्र दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि मंदिर दर्शन ने आपके पास एक खास जानकारी पहुंचाई है। क्योंकि अभी वाराणसी के दशावमेघ घाट पर गंगा आरती के समय जब खुदाई का कार्य चल रहा था तो वहां पर मिला एक सैकड़ों वर्ष पुराना शिवलिंग। आगे की संपूर्ण जानकारी हम आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए मंदिर दर्शन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।